जो द्रिकना चार्ट है, द्रिकना चार्ट में बात हुई थी अपनी कि हर घर के 10 टुकड़े की तीन 10-10 डिग्री के तीन टुकड़े किए थे, और जो पहले 10 डिग्री है पहले घर के, उसमें पहले 10 डिग्री हेड को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे 10 डिग्री नेक को रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरे पेल्विक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं पिक्चर बता के अभी आपको बताता हूँ। इसी तरह ये चार्ट को आप याद रखिए। दूसरा घर है इसका जो इस यहाँ पे हम फेस, माउथ, चिक्स, आई, थ्रोट, टंग, चिन देखते हैं, टीथ भी देखते हैं, लेकिन जब द्रिकना की बात करेंगे तो द्रिकना में ये राइट आई का बात करता है, सेकंड द्रिकना राइट शोल्डर का काम करता है, और थर्ड द्रिकना राइट साइड के जेनेटिकल का काम करता है। इसी तरह तीसरा भाग है, उसको मैं आपको समझाने से पहले एक बार ड्रा करके बता देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। ड्रा करने से आपको जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ इसके बारे में समझ आ जाएगा कैसे इसको देखते हैं। देखिए मैं ह्यूमन बॉडी बना रहा हूँ, ये ह्यूमन बॉडी है, इसके बाद ये इसकी, इसके तीन भाग करते हैं। एवरी हाउस हैज ऑर्गन्स ऑफ ऑल द थ्री पार्ट्स। ये 0 से 10 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री। घर कोई हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, जब स्टार्ट करेंगे तो पहली 10 डिग्री में फेस का कोई ना कोई हिस्सा होगा होएगा, और जो नेक्स्ट 10 डिग्री है उसमें यहाँ गर्दन से लेके अपनी कमर तक का कोई ना कोई हिस्सा होगा ये वाला, और जब तीसरा द्रिकना आएगा 20 डिग्री से 30 तक, उसमें उस घर में, हर घर में 20 से 30 डिग्री के बीच कमर से लेके पांव तक का कोई ना कोई हिस्सा होगा, जैसे पहले में आ गया हेड, ये हेड इसका है, सेकंड द्रिकना में आ गया नेक, ये नेक ये दूसरे भाग का है, और तीसरे में आ गया पेल्विक, ये पेल्विक बोन जिसको हम पंजाबी में चूला बोलते हैं, हिंदी में भी चूला ही बोलते हैं, ये जो हमारी हड्डी है जिसमें सारी टांगों का वजन, ये जो हमारी पेल्विक बोन है, ये सारी पेल्विक बोन है हमारी, ये पेल्विक एरिया है, ये पेल्विक बोन है जिसको हम चूला बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं आपको समझाने के लिए, ये जो हड्डी होती है ये पेल्विक बोन है। अब आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे ये बात। अब देखो, पहला द्रिकना आया हेड, दूसरा नेक, तीसरी पेल्विक बोन। इसी तरह दूसरे घर में चलते हैं, दूसरे घर में राइट आई आई, राइट आई, राइट शोल्डर और राइट जेनेटिकल्स। अब वहां लेके चलता हूं, दूसरे घर में राइट आई आ गई, ये हमने दूसरे घर में देख ली कि ये राइट आई, ये राइट आ गई, और यहां पे आ गया राइट शोल्डर आ गया, और यहाँ पे जेनेटिकल, आपके जो जेनेटिकल हैं, टेस्टीज हैं, उनका राइट भाग आ गया। हमारी जो जेनेटिकल ऑर्गन, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, हमारे जो जनन अंग हैं, जनन अंग जिनको बोलते हैं हम, उसका राइट साइड का जो हिस्सा है वो हमारे पास इधर तीसरे द्रिकना में आ गया। और अब बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर में जो फर्स्ट द्रिकना है राइट ईयर का है, राइट आर्म का है, और राइट साइड के जेनेटिकल का आ गया। चौथे घर की बात करेंगे, राइट नॉस्ट्रल आ गया, राइट साइड ऑफ द बॉडी आ गई,
और राइट थाई आ गया। जब यहाँ पे बात करेंगे चौथे घर में, तो उसने क्या कर दिया, ये राइट चिक्स आ गई, ये राइट अपना बॉडी का हिस्सा आ गया, राइट भाग, ये सारा भाग आ गया इसमें। और ये जो थाई है आपका घुटने से ऊपर, ये जो चौथे घर में आ गया। इस तरीके से हमने बांटा हुआ है। अब एक और बात बताई थी मैंने, वो होता है कॉलक, ये उसके स्पेलिंग है कॉलक। एक दृक्कना है 0 से लेके 10 डिग्री तक का, इसको 2 भागों में बांटते हैं तो 5 डिग्री तक आ गया। 0 डिग्री टू 5 डिग्री हर दृक्कना के लिए होगा ये, 5 डिग्री टू 10 डिग्री इसको बोलेंगे कॉलक 1 K1 और इसको बोलेंगे K2। अब कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को गिरता है, कुछ किसी के चोट आती है, वो जैसे सपोज करो कोई भी घर है, एरीज है, पहला घर ले लो, फर्स्ट हाउस में ले लो, फर्स्ट हाउस है, एक प्लैनेट पड़ा है 2 डिग्री पे और उस पे जब वेद आ रहा है कहीं से, या कोई ऊपर से प्लैनेट गुजर रहा है, वो गुजर रहा है 3 डिग्री पे, ये जो जंक्शन है ये 2 और 3 डिग्री के बीच का हो गया, 2 डिग्री से लेके 3 डिग्री के बीच में चोट लगी है, तो ये इंटरनल चोट है। जब चोट लगेगी 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में वो एक्सटर्नल, ये इंटरनल। ये एक्सटर्नल हम बोलेंगे कि सिर पे चोट आई है, लेकिन बाहर चोट तो नहीं आई है, अंदर खून बह रहा है, व्यक्ति कोमा में चला गया है। और जब यही एक्सीडेंट हम करते हैं, सिर पे ही चोट आएगी, वो आती है 7 डिग्री आती है, तो हम बोलेंगे अंदर चोट बच गई है, बाहर खून बह रहा है, वहाँ पे स्टिचेज आ गए हैं, व्यक्ति सेफ है। तो K1 इंटरनल, K2 एक्सटर्नल चोट देता है। इतना बड़ा क्लू है जिसको समझने के लिए मेडिकल का डॉक्टर 20 तरह के एक्सरे कराएगा, उसके बाद बताएगा कि अंदर चोट आई या नहीं आई, CT स्कैन कराएगा, MRI कराएगा ब्रेन की, फिर बताएगा कि ब्रेन के अंदर चोट आई या नहीं आई। एक एस्ट्रोलॉजर हॉरोस्कोप देख के 10 मिनट में बता देगा कि उसको खोलने, कंप्यूटर खोलने में ज़्यादा समय लगता है, पत्री बनाने में कंप्यूटर में 5-6 मिनट लग जाते हैं, लेकिन देखने में 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते कि चोट इंटरनल है या एक्सटर्नल है। कोई बोलता है मेरी बाजू पे चोट आई है, तो आप देखोगे कि यदि थर्ड हाउस में बाजू है, थर्ड हाउस में कोई जो एक्सीडेंट हो रहा है कितनी डिग्री पे हो रहा है, यदि वो फर्स्ट कॉलक में है तो बाजू अंदर से टूटी है, यदि वो सेकंड कॉलक में है तो अंदर से हड्डी वो बिल्कुल ठीक है, बाहर चोट आई है, वो मांस पे पट्टी का काम भी हो सकता है, वो मांस पे टांके भी लग सकते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है ये कॉलक, इसलिए इस कॉलक को कभी भूलना नहीं है, सब ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।